गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 ये एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 रहता है 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x ओवर 3 इक्वल्स टू 18y1 ये राइट किया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 2x 18 मल्टीप्लाई 3, तो 18 मल्टीप्लाई 3 होता है 54। कितना होता है 54 2x। अब दोनों के नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 लगाते हैं। किसी भी टर्म वेरिएबल के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 लगा सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस दोबारा से, तो हमारे पास आ गया x रहा इधर 54/2, 2 से कट किया तो हमारे पास आ गया 27। हम इस क्वेश्चन को अब चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 3। हमने 2 मल्टीप्लाई 27 किया अपॉन में लिखा 3, तो हमारे पास आ गया 3 1 3 3 9 27 9 2 18। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। इस क्वेश्चन में हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दोबारा से जैसे था वैसे ही राइट करेंगे। किसी भी टर्म के नीचे कुछ ना हो हम 1 लगाते हैं। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 आ गया। तो हमने 16/10 डेसिमल रिप्लेस कर दिया, 16/10 आ गया। अब हम 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30 होता है, 3 कैरी, 5 और 3 8, 6 1 0, 4 2। हमारे पास आ गया 240/10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100। हमने अभी राइट किया है y इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, हमने डेसिमल हटाया तो 16/10 15/10। 16 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 240 आता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। 0 से 0 कट गया, डेसिमल लगाया 2.4। ये x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। हमें चेक करना है, हमने चेक किया क्वेश्चन को तो हमारे पास था y ओवर 1.5, तो y की वैल्यू 2.4/1.5। हम दोनों के डेसिमल रिप्लेस कर देते हैं, 10/10 आ गया, 10 से 10 कट गया, टेबल लगाया 3 का, 3 5 15, 3 8 24, 8/5 आ गया। अभी हमें आंसर निकालना है, मैंने डिवाइड किया 8 5 5 बन जा 5, 3 बचा, डेसिमल लगाया 0, 5 6 30। तो हमारे पास आंसर क्या गया 1.6।
तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोबारा से बराबर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन में हम 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 राइट करेंगे। अब माइनस 9 यहां से इस साइड को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, 7x इक्वल टू 25 ओवर 7, क्या गया 25 ओवर 7। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। तो अब दोबारा से 8 इस साइड जाएगा, 14y इक्वल टू 13 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14y दैट इज इक्वल टू 21। तो हम अब नेक्स्ट स्पेस पे लिख रहे हैं तो 21, तो हमारे पास 14y इक्वल टू 21 था, तो हमने क्या किया y इक्वल टू 21 बाय 14 लिखा, डिवाइड करते हैं 7 का टेबल, 7 टू 14 होता है, 7 3 21, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। चेक कर लेते हैं, हमने चेक किया तो हमारे पास था 14y माइनस 8, ये क्वेश्चन था हमारे पास 14y माइनस 8, तो y की वैल्यू 3/2 × 14 - 8, 2 से काटा 7, 21 - 8 और आ गया हमारे पास 13। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 17 + 6p = 9, ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल। आगे वाला जो 12 क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं मैं, y/3 + 1 = 7/15। तो y/3 माइनस का 1 हो जाएगा पल्ली साइड को, तो 1 के नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया, 15 आ गया, 7 - 15 तो -8/15 आ गया। अब y/3 था -8/15 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इक्वल टू y = -8/15 × 3, 3 का टेबल, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ओके।